हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी यहाँ ठीक ठाक। तो गाइस, मैं फजर की नमाज के बाद तिलावत कुरान करती हूँ। तो आज जुमा का दिन है, तो मैं सबसे पहले सूरह कहफ़ पढ़ती हूँ। सूरह कहफ़ की फजीलत जुमा के दिन बहुत ज़्यादा है पढ़ने की। ऐसे तो मैं बाद मगरिब जुमरात के दिन पढ़ लेती हूँ, जुमरात के बाद जो मगरिब के नमाज के बाद पढ़ लेती हूँ, लेकिन कल टाइम नहीं मिलने के वजह से आज मैं पढ़ रही हूँ। जुमा का दिन है आज, और आप लोग को बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। तो देखिए, ये सुबह हो गई है और फिर भी रूम के अंदर अंधेरा है, तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैंने थोड़ा सा तस्बीह पढ़ लिया। मुझे तस्बीह पढ़ना भी अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी यहाँ ठीक ठाक, और मैं रेडी हो गई हूँ, स्कूल के लिए निकल रही हूँ आप लोगों की दुआ से। तो सोचा आज मैं आप लोग के सामने रूबरू हो जाऊँ, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे 1000 मेरी फैमिली मेंबर्स होने का शुक्रिया आप लोग को कि मेरे फैमिली के आप लोग मेंबर बने। तो गाइस, देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और स्कूल के लिए निकल रही हूँ, और मेरा सारा खाना पीना बन चुका है, और वक्त से पहले निकलना पड़ता है हम लोग को कि रास्ते में जाम है, ट्रैफिक है, बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन इसको हम लोग हर रोज़ एंजॉय करके हैंडल करते हैं। कभी भी किसी चीज़ को हम लोग भारी नहीं करते। तो गाइस, मिलते हैं अगले स्टेप में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। और आज फातिया मैंने थोड़ा सा कर लिया था, शेरनी, कुछ मन्नतें थी मुश्किल खुशहाली के नाम से मैंने फातिया किया। तो गाइस देखिए। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी यहाँ ठीक ठाक, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ, आप लोग के सामने बैठी हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को 12 रबी अव्वल ईद उल मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये महीना मुसलमान माशरे में, हमारी कौम में कितनी अफजल और कितनी खुशियों का महीना है। ये महीना किसी की तारीफ का मोहताज नहीं है, और ये सभी जानते हैं कि इस महीने में हमारे नबी सरकार, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, उनकी विलादत हुई 12 रबी अव्वल को, और ऐसे अंग्रेज़ी हिसाब से 20 अप्रैल 571 में उनकी विलादत हुई। और इसी दिन उन्होंने, जैसे उनकी विलादत पीर के ही दिन हुई थी, और इसी दिन उन्होंने इस दुनिया से पर्दा भी कर लिया। तो मेरे हम मुस्लिमों के लिए, और कितने प्यारे नबी थे, हमारे आखिरी नबी थे, और अल्लाह पाक के भी बहुत चहते और बहुत प्यारे नबी थे, और हमारे ही नबी अपनी उम्मत को बख्शवाएंगे। तो
तो हम लोगों को उनकी विलादत ईद उल मिलाद उन नबी का दिन बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। ये पर्व हम लोग बहुत ईद के जैसा हम लोग मनाते हैं। इस दिन हम लोग अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं और शिरनी फातिया कराते हैं, जुलूस वगैरह भी निकलता है और मिलाद वगैरह भी घर घरे घर होता है। तो सरकार की आमद मरहबा, मेरे नबी की आमद मरहबा, हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और अल्लाह पाक ने और मेरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ताला और हजूर के चारों सहाबा जो थे उन लोगों ने भी फरमाया है, लिखा है हदीस में ऐसी बात कि उन्हें 12 रबी अव्वल को मरीज़ों की भी इयादत करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ से भी 12 रबी अव्वल के दिन हॉस्पिटल में फल और ये बिस्किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उस दिन इंसान को ये सब चीज़ें करनी चाहिए, जलूस के साथ साथ जितने ही अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अगर मेरे नबी के विलादत के दिन अगर एक दरहम भी खर्च करेंगे तो हम उससे भी ज़्यादा इनायत फरमाएंगे, और बेशक क्यों नहीं। और तो बस इसी तरीके से हम लोग को विलादत नबी मनाना चाहिए। आमद मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा, हम लोगों को मनाना चाहिए। तो गाइस, और दूसरे जुमा मुबारक हो। तीसरा कि हैप्पी टीचर्स डे सारे जितने भी टीचर्स हैं, गुरुवर हैं, उस्ताद हैं, उन लोगों को है टीचर डे। ऐसे तो कल हो चुका, आज 6 सितंबर है और मैं भी एक टीचर हूँ, तो बहुत सारी कल विशेष मिली बच्चों से और स्कूल में छोटा मोटा प्रोग्राम भी हुआ और सबसे पहली विशेष मेरे बच्चों की आई। और ऐसे भी उन लोग मेरे पास रहते थे तो उन लोग मुझे सुबह उठ करके विश करते थे, अपने हाथों से कार्ड बना करके देते थे और टॉफ़ी वगैरह देते थे। और इसी का रिटर्न गिफ्ट मैं 14 नवंबर को अपने बच्चों को देती थी, केक वेक बना करके। तो कल मेरे बच्चों ने विश किया, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ तो इसलिए, उन लोगों का कहना है कि पहली टीचर्स तो आप हैं मम्मा, पहली टीचर्स आप हैं। और बेशक सही भी है, माँ ही सबसे पहली टीचर्स होती है अपने बच्चों की, उसकी गोद ही सबसे पहला स्कूल या मदरसा होता है अपने बच्चों के लिए। माँ और बाप दोनों मिल करके अपने बच्चों को चलना बोलना और अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। कितनों भी माँ बाप जैसे भी हो, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कोई गलत लाइन में जाए, गलती है। एक बचपन से कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चे को नेक ही हिदायत देते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो बेशक माँ ही अपने बच्चों की पहले टीचर्स होती है। तो मुझे मेरी तरफ से भी दुनिया की जितनी माएँ हैं उनको भी हैप्पी टीचर्स डे। तो सच में माँ माँ होती है। माँ एक बचपन से जब से पेट से लेकर के पैदा होने तक, दुनिया में आने तक अपने बच्चों को सिखाती ही रहती है, बुढ़ापे तक की भी अपने बच्चों को अपने तजुर्बा की ज्ञात की बातें। हम लोग तो डिग्री लेकर के पढ़ करके इतने बहुत सारी चीज़ों को जाना, पहले की बड़े बुज़ुर्ग थे, दादी नानी थी, तो वो अपने तजुर्बों से बहुत कुछ बताती थी। आज याद आता है उन लोगों की बातें कि सच में उन लोगों के पास कितनी नॉलेज थी, हम लोगों की डिग्रियों से भी कितनी ज़्यादा नॉलेज थी, तजुर्बा था। बहुत सारी चीज़ों का मैंने मिलाया है उन लोग को। हम लोग घड़ी देख करके दिन बताते हैं और उन लोग ये सूरज की रोशनी से वो लोग एकदम
एग्जिट टाइम बता दिया करते थे, और बहुत सारी चीज़ बच्चों का अगर तबीयत ख़राब होता है तो कैसे क्या करो, कैसे मालिश करो, कैसे घी की मालिश करो, सीना में ज़ुकाम कम होगा, ख़त्म होगा, बहुत सारे। अगर पेट दर्द कर रहा है बच्चों का वो जान जाती थी। तो आज ये जब मैं माँ बनी हूँ तो रियलाइज़ होता है कि सच में मेरी दादी नानी या मेरी माँ है या सासू माँ थी, बहुत तजुर्बे वाली थी, उन लोगों के पास बहुत तजुर्बा था। जितना हम लोग डिग्री हासिल करने के बाद भी वैसा तजुर्बा हम लोगों को किताबी बातें बहुत पता है, लेकिन उन लोग को तजुर्बे वाली बातें मुहावरे बहुत ज़्यादा उन लोग के पास इस ढंग का ज्ञान हुआ करता था। सच में गाइस, सच में मुझे सैल्यूट करना चाहिए अपनी दादी नानी को कि याद आता है वो सब दिन। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। गाइस ये तो हमको लगता है कि माँ सच में अपने बच्चों की पहली टीचर्स होती है, और ये माँ की गोद ही बच्चों का पहला मदरसा होता है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर माशाल्लाह से हो गए हैं, मेरे 1000 परिवार बन चुके हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझको अपनी फैमिली में शामिल करने के लिए, मुझे 1000 फैमिली मेंबर मिलने के लिए। मेरा इतना बड़ा माशाल्लाह से परिवार हो गया 1000 फैमिली का। तो बस इसी तरीके से मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिए और इसी तरीके से प्यार दीजिए। बहुत कमेंट आती है कि आप पे डेली व्लॉग बनाओ, तो इंशाल्लाह रहमान अब ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं डेली कुछ ना कुछ व्लॉग शेयर करूँ, कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ नई बातें आप लोग से बात करने की और मैं कुछ किचन से कुछ अपनी हर बात अच्छी। जब आप मेरे फैमिली मेंबर हो चुके हैं, मेरी फैमिली में आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह रहमान ज़रूर मैं कोशिश करूँगी ब्लॉगिंग डेली व्लॉग डालने के लिए। और आप लोग भी कमेंट करके मुझे अपना खैरियत बताते रहिए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं मुझे, और मुझे अच्छा लगता है आप लोग की कमेंट पढ़ करके जवाब देना। और बस इसी तरीके से मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए।